भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक कैंपेन के तहत तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने 23 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये ठोस ईंधन वाला युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। ये 150 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। अभी मौजूदा वक्त में भारतीय सेना के पास 500 किलोमीटर की दूरी वाले लक्ष्य पर हमला करने का एकमात्र साधन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो काफी सटीक निशाना लगा सकता है। हालांकि ये 200 किलोग्राम या उससे अधिक का भार ले जा सकती है और ये काफी महंगी प्रणाली भी है, इसलिए सेना को प्रलय जैसी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी। प्रलय चीन की डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला कर सकती है। खास बात यह है कि इसे रात को भी दागा जा सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइलों के माध्यम से प्रलय को रोकना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा इसे जमीन के साथ साथ कनस्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। वैसे डीआरडीओ ने अभी तक इस प्रलय मिसाइल की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रलय मिसाइल दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा घातक हो सकती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।